बेटी सावित्री। कहिए महाराज। ये रोना धोना बंद करो, ये रोना धोना बंद करो और अपने घर वापस चली जाओ। क्या कहते हो महाराज? हाँ। आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो और कहते हो कि मैं रोना धोना बंद करूं, अपने मृतक पति को छोड़कर घर वापस चली जाऊं। जो आया है उसे एक दिन जाना है, जिसकी आयु के दिन पूरे हो जाते हैं धर्मराज उसके प्राण लेने के लिए आता है। आज तेरे पति शक्तवान की आयु के दिन पूरे हो गए, अब इसका दुनिया में जीना नहीं लिखा। मैं जानती हूँ कि जो इस धरती पे जन्म लेकर आया है वो एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाता है, लेकिन आप मेरे पति को मुझसे छीन कर इतनी जल्दी नहीं ले जा सकते। मेरे पीछे आना छोड़ दो, रोना धोना बंद करो, घर चली जाओ। नहीं जाऊंगी, जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे, जब तक मैं ना तो आपका पीछा छोड़ूंगी और ना ही यहाँ से अपने घर वापस जाऊंगी। कि पांच तत्व का खेल बिगड़ के निकड़ आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने, तो पंछी पैर पसार गया। ये खाली मिट्टी है, अब तुम्हारे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे। आपके लिए खाली मिट्टी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे ये पति है। कि नाशवान संसार जब दो दिन का रहने बसेरा है, और जिसको अपना समझ रही है घर तेरा ना मेरा है। तुझे भी एक दिन जाना है, सबको जाना है। मैं जानती हूँ, लेकिन आज आप मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते। क्या तुम मेरे पीछे पीछे आना बंद नहीं करोगी? नहीं करूँगी। क्या कहना चाहती हो? मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। नहीं मिल सकते वापस। अगर नहीं वापस दे सकते तो मैं आपसे कुछ अरज कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या प्रार्थना है? सुनिए मेरी बात। सुनाइए अपने। हो मेरी अरज सुनो, या मेरा कुदरत कने मैं बेटी सत्यवान की, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर के मैं बेटी, ओ सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर के मैं बेटी। माती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चो या मेरा।
हो नाड़ झुका लूंगा। अच्छा। लाश के अंदर प्राण द्वारा कभी नहीं मैं डालूंगा। क्यों? और चीज तू और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्याग लूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्याग लूंगा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और रे।
जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वही वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ तो तीसरा भी ले ले। दीजिए तीसरा वचन। अरे तेरी कोख पे सोच समझ के क्या राज, तेरी कोख पे, तेरी कोख पे पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु सावित्री, अब मैं चलता हूं। कहां जाते हो महाराज? अभी आप यहां से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने दो वचन तो मेरे पूरे किए, लेकिन तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। तीसरे वचन में थोड़ा समय लगेगा, पूरा हो जाएगा। समय तो लगेगा, लेकिन वो पूरा हो भी नहीं सकता महाराज। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि मेरी कोख से बेटा पैदा होना चाहिए। कैसे होगा? और मैंने कह दिया तथास्तु। तुम्हारे तथास्तु कहने से थोड़ा ही होगा महाराज। ख्याल करो हरे राम बैसले हो, लेकिन बिना पति के, बिना पति के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो न तो मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ। अब कह दो तथास्तु। सावित्री, नहीं तथास्तु। क्यों? मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा? हाँ, मुझे क्षमा कर दो। कैसे कर दो क्षमा महाराज? पहले और दूसरे वचन पढ़े, शबर कर लो तीसरे वचन के लिए। धर्मराज हाथ जोड़ करके माफी चाहता है, माफ कर दो। आपने कहा था कि अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो कुछ मांगूंगी वही दोगे, तो या तो मेरे पति के प्राण दो, नहीं तो तीसरा वचन पूरा करो महाराज। बड़ी गुणवान हो, धैर्यवान हो, नीतिवान हो, चरित्रवान हो, बड़ी बुद्धिवान हो। मैंने कहा था कि अपने पति के प्राण मत मांगना, तुमने अपने पति के प्राण भी नहीं मांगे। लेकिन मैं तीसरे वरदान में तथास्तु करने से पहले विचार नहीं कर पाया, तूने अगवत भी कराया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारे दुख में इतना विलीन हो गया कि सावित्री जो मांग रही है बस दे दे। कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि पतिव्रता, पतिव्रता स्त्री का अगर पति दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर बेटा कहां से हो सकता है। इसी बात के लिए तो माफी चाह रहा हूँ। माफी नहीं मिलेगी। माफी नहीं मिलेगी तो मुझे कोई रास्ता बता दे जिससे मैं निकल जाऊँ। रास्ता यही है कि या तो तीसरा वचन पूरा कीजिए, अगर तीसरा वचन पूरा नहीं कर सकते। तीसरा वचन तो जब पूरा हो कि जब तुम्हारा पति इस दुनिया में जिंदा हो, और तुम्हारा पति जिंदा जब हो कि जब इसकी आयु बची हो, तो वचन हार हो जाइए। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोग इस धर्मराज पर विश्वास करना ही छोड़ दे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ही कोई रास्ता बता सकती हो, और नहीं तो आज धर्मराज ऐसे फंदे में फंस गया है, निकल नहीं सकता। आप मुझे धर्म की बेटी कहते हो? हाँ। तो धर्म की बेटी होने के कारण मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ महाराज। कौन सा रास्ता? यह है कि आप कहते हो कि मेरी पति की आयु आज पूरी हो चुकी है। खत्म, एक मिनट भी ना। ये महाराज ये बताओ कि मेरी आयु, मेरी उम्र कितनी बाकी? तेरी आयु अभी बहुत लंबी है। बहुत लंबी है? कितनी, कितने साल? अभी तो कम से कम 400 साल जीवेगी। 400 साल? अगर मेरी आयु अभी 400 साल बाकी है तो 200 साल मेरे पति को दे दीजिए। यानी 200 साल मेरी उम्र हो जाएगी, 200 साल आधी उम्र जब मेरे पति को मिल जाएगी तो उनकी भी उम्र बराबर हो जाएगी और मेरी भी उम्र बराबर हो जाएगी। जोरदार ताली हो जाएगी। आपका वचन भी पूरा हो जाएगा, मेरे पति जीवित भी हो जाएंगे और मेरे पुत्र भी हो जाएगा। और एक काम और होगा महाराज। क्या? कि जब दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ और सत्यवान सावित्री एक दिन मरेंगे साथ साथ। हो यमो,
लाज होया लाचार हार के प्राणे लाश में डाले मेरे अरज सुनो या मेरा जी आज कुछ